हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। तो दोस्तों, आपने एक दो दिन पहले की वीडियो देखी होगी कि एयरपोर्ट गए थे एक दोस्त को रिसीव करने के लिए, तो उसी से चल रहे हैं मिलने। उससे मिलेंगे, पूछेंगे क्या हाल चाल है, कैसे है, क्या है, सब कुछ। तो बने रही वीडियो में और आखिरी तक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, चल दिए हैं मिलने के लिए और आपको दिखाते हैं और बात भी करेंगे। आप लोग देखिएगा, हाउस ड्राइवर में नहीं बुलाए हैं, कंपनी के ड्राइवर में बुलाए हैं। और तो जबकि उसमें खाना पीना कैंटीन से मिलेगा, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए, आपको बात करेंगे और बताएंगे कि कितना खर्चा लगा आने में, क्या क्या, कैसे वीज़ा मिला, कैसे क्या है, सब कुछ बताएंगे। सारी बातें इसी वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक और देखिए, समझिए कि कंपनी के ड्राइवर में कितना फ़ायदा है, हाउस ड्राइवर में कितना फ़ायदा है, कंपनी के ड्राइवर में कितनी सैलरी मिलती है, हाउस ड्राइवर में कितनी सैलरी मिलती है, सब कुछ बताएं। तो दोस्तों, अभी 2 मिनट का रास्ता और बचा है
पहुंचने ही वाले हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने लोग हैं, रह रहे हैं, कैसे क्या है, सब कुछ दिखाते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। और दोस्तों जिस दिन वो आया ना उसी दिन उसका मेडिकल वगैरह हो गया, ठीक है, मेडिकल हो गया। मेडिकल का मतलब जब मेडिकल होता है तभी एकामा बनता है, तो यहाँ का जो आईडी होता है उसी को एकामा बोलते हैं, तो वो बिना मेडिकल का नहीं बनता। तो जिस दिन आया उसी दिन मेडिकल करा दिया और उसी मेडिकल से एक और मेडिकल होता है उसी में, तो वो लाइसेंस का भी काम करता है। तो अभी तो फिलहाल रेड लाइट आ गई है, तो रेड लाइट खुल गई है और रेड लाइट में ही 2-3 मिनट लग गए यार, और पहुंचने ही वाले हैं। फोन कर दिए हैं कि बाहर निकलो। दिक्कत ये है कि वहाँ पे उन लोगों को रखा हुआ है अंदर में, क्या है कैसे देखते हैं, अभी सब समझते हैं। क्या है कैसे सब समझते हैं। और ये यही इलाका है, यहीं पे है तो बड़ा ठीक ठाक एरिया, कोई दिक्कत है नहीं, मार्केट वगैरह भी है। ये आ गया। बहरमा बाटी यार, ठीक निकल बे। ये भाई है, आया है, इसी से मिलने आए थे। तो यहाँ पे क्या है कि ये मिलने केवल अंदर, वही बाहर जो है गलियारे में बाहर गेट के पास ही मिलने दे रहा है, और ना बाहर निकलना उसको अलाउ है और ना ही हम अंदर जा सकते हैं, तो प्रॉब्लम तो यही हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, फिर कहीं जब लाइसेंस वगैरह बन जाएगा, वो बोल रहा है कि अपने लाइसेंस वगैरह जब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आराम से मिल सकते हो, आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सामान लाए हैं, दे दें उसको, फिर आप बने रहिए। तो भाई साहब वहाँ पे सिस्टम क्या है कि इन लोगों का जो कंपनी वाले हैं, इन लोगों का पूरा लॉज है खुद का, ठीक है, उस लॉज में लगभग 150 आदमी को रखे हुए हैं। जब इनके वर्कर लोग आते हैं तो वहीं पे रखते हैं, उनका पेपर वगैरह, लाइसेंस वगैरह, काम वगैरह सब कुछ बनवा के रेडी करके फिर काम पे लगाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब तक इन लोगों का डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो जाता तब तक इन लोगों को बाहर निकलने नहीं देते, हालांकि मिलने देते हैं। कैमरा वगैरह चारों तरफ बढ़िया से लगा हुआ है, अच्छा है, तो थोड़ा सा वीडियो शूट किए, बाकी ज्यादा कुछ सोचे तो बहुत कुछ थे लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो फिर बाद में बात कर लेंगे। तो वहां से निकल लिया, चल रहे हैं रूम की तरफ, और रास्ते में ही हमारे एक रिलेशन के हैं, उनको हमने बुलाया था, वो मीट वकाला है यानी स्टोर है सुपरमार्केट, तो उसमें काम करते हैं काफी दिनों से, तो सोच रहे हैं उनसे भी मिलते चले, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है तो काम वाम है नहीं, छुट्टी है, छुट्टी क्या है, काम नहीं है, ये नहीं रहता कि एक फोन आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आ गए हैं स्टोर, तो ये हमारे रूम से बगल में ही इनका स्टोर है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 किलोमीटर होगा, करीब में ही रहते हैं, तो बराबर इनसे मिलना जुलना होता है। लगता है कभी वीडियो में इनको लाए नहीं है, आज वीडियो में ला देते हैं, आप लोग
देख लीजिए। बात कर लेते हैं, ये लेफ्ट में दिख रहा है मीट लिखा हुआ ना, मीट बकाला, तो ये है ये पूरा स्टोर अकेले संभालते हैं। क्या हाल है? यही है तो प्रॉब्लम ये है कि इनके यहाँ जब हम आते हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ कॉफी है, पेप्सी है, बिस्किट है, ये सब खाने के लिए दे देते हैं। और यही चीज हमको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इनके खर्चे से ही कटता है, इनके सैलरी से ही कट जाएगा, तो ये गलत बात है। फिलहाल चलो ठीक है, और तो मिल लिए इनसे भी, अब चलते हैं रूम पे, और रूम पे चल के फिर सारी बात आपसे करते हैं। तो जो ये अभी हम मिले हैं इनसे, इनको भी हमने बुलाया था, और ये भी सप्लायर ही कंपनी थी, ठीक है, तो सप्लायर कंपनी के माध्यम से आए थे और अच्छे मीड में लग गए हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। लगभग 6 साल हो गया काम करते, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी थोड़ा कम है। तो देखिए उसमें फर्क क्या होता है सप्लायर कंपनी में और डायरेक्ट वीजा में, जो डायरेक्ट वीजा से आप आएंगे तो उसमें सैलरी अच्छी खासी रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। जो सप्लायर कंपनियां होती हैं वो सैलरी तो अच्छी खासी लेती हैं कंपनी से जिसमें आपको लगाएंगे, लेकिन आपको सैलरी आप अपने हिसाब से देती हैं, ठीक है, वो पहले से ही डन किए रहते हैं, तो ये सब डिफरेंस होता है। तो वैसे अच्छा यही रहता है कि डायरेक्ट कंपनी का वीजा मिले तो वो सही रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे पेज को फॉलो करें। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।